ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी जो है सर्द ऋतु जो है आने वाली है, तो आपको कुछ ऐसे मंत्र तंत्र यंत्र दिए जाएंगे जो कि इस काल में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। इनको करने से आप कुछ ही क्षणों में इनका प्रभाव देख सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि अपना जो पूरा विश्वास है वो इन पर लगाकर अपने मन मस्तिष्क को एक करके सिर्फ इस पर एकाग्रचित रहें कि आपका जो फल है वो आपको इन मंत्रों से अवश्य मिलेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि आप अगर फल की चिंता ना करते हुए सिर्फ अपने कर्म करें तो ये शीघ्र अतिशीघ्र फलदायी होते हैं। शरद ऋतु में कुछ ऐसे गोपनीय मंत्र हैं जो कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देते हैं। बस आपको करना क्या है कि इन मंत्रों पर पूरा विश्वास रखकर इनको जपना है। जितना अधिक इनका जाप होगा ये उतनी ही शीघ्रता से आपके प्रेमी को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। तो जो भी इच्छुक जो भी जिज्ञासु चाहते हैं कि वो इन मंत्रों को सिद्ध कर लें और अपना जो भी मनोरथ है उसको पूर्ण कर लें, तो सबसे पहले इन 4 महीनों में आपको बिल्कुल सात्विक रहना है। इन मंत्रों से आपको कुछ ऐसी सिद्धियां मिल जाएंगी जो कि आकर्षण का काम करेंगी। आपको इस जो 4 महीने हैं इनमें पूर्णतः सात्विक रहना है, आहार पर ध्यान देना है, क्योंकि साधना में सबसे पहले आहार आता है। अगर आप आहार पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप सात्विक ढंग से ले सकते हैं और उसमें कोई भी मांस मदिरा मीट अंडा मछली ना हो, तो ये साधना की ओर पहला कदम होगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति है जो अपनी भूख पर ही कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चाहे लाख विघ्न आए, चाहे कुछ भी हो, आपको इस साधना काल में किसी भी तरह का व्यसन का जो है प्रयोग नहीं करना है। चाहे वो बीड़ी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, अगर आप ये सब करते हैं तो आप इन साधनाओं को ना करें, क्योंकि ये आपके लिए फल की जगह आपको अभिशाप भी दे सकती हैं। तो जो भी जिज्ञासु चाहते हैं कि वो इस साधना में आगे बढ़ें, तो उसके लिए आपको सात्विक रहना होगा 4 महीने। अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें कि सिर्फ भगवत कृपा की ही बातें हो रही हों, जहाँ पर पॉजिटिविटी हो चारों तरफ। कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पर अगर आप देखें तो आपको निराशा हो। इन 4 महीनों में सब कुछ भूल जाएं, अपना जो भी पिछला है, जो भी आने वाला फ्यूचर है, उसके बारे में कुछ ना सोचें, बस इन मंत्रों पर ध्यान दें। और इसके बाद आपको ये चमत्कार करके दिखा देंगे। मैंने इनसे इतने परिवर्तन होते हुए देखे हैं कि उनका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता यहाँ पर। सिर्फ एक ही दिन में किसी का कायाकल्प हो जाना, किसी का हृदय परिवर्तन हो जाना, किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन मंत्रों को जब भी कोई आपका साथी हो या फिर कोई भी आपकी वाइफ हो या फिर पतिदेव हो जो मान ना रहे हों, जो विमुख हो गए हों आपसे, उन पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अभी जो है मैं साधना काल में हूँ और इस समय मैं राजस्थान में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ की जो मिट्टी है उसमें एक अपनी ही सुगंध है। यहाँ पर जो साधनाएँ होते हैं, जैसे कुछ जगहें हैं जहाँ पर अगर आप साधनाएँ करते हैं तो बहुत जल्दी फल देते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, सिल्लीगुड़ी हो गई, बंगाल हो गया। तो ये जो जगहें हैं यहाँ पर अपनी ही शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये बहुत ही शांत है, यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल अनुकूल है साधनाओं के लिए। तो जो भी साधनाएं करना चाहते हैं, जो भी कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर करें तो अधिक लाभ होगा। और जो ना कर पाएँ, इतनी दूर ना जा पाएँ, कोई जॉब करता होगा, कोई कुछ करता होगा, तो आप अपने घर में एक ऐसा कमरा बनाएं जो कि बिल्कुल आपके अनुकूल हो, हवादार हो, जहाँ पर धूप आती हो और एक
मधुर संगीत वहाँ पर 24 घंटे बजता रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपकी साधनाओं में आप 50% सफल हो चुके हैं, और बाकी का जो है वो है मंत्र, वो मंत्र कर देगा। तो ये मंत्र है किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इस मंत्र से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बहुत ही पुराना, बहुत ही गूढ़ मंत्र है जो कि लाखों रुपए देने पर भी आपको कोई ना बताए, लेकिन क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया है और मतलब उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आपके लिए एक अति गोपनीय मंत्र जो कि आपके लिए अवश्य काम करेगा, खासकर सर्दियों में। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं उस समय से आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इसको कर सकते हैं। होली के बाद ये मंत्र जो है काम नहीं करेगा, तो होली से पहले पहले आप इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दें। तो मंत्र के लिए सावधानियां हैं कि जब आप ये मंत्र शुरू करें तो उससे पहले अपने नाखून काट लें, क्योंकि जब तक ये साधना पूरी नहीं होगी उसके बाद आपको अपने नाखून नहीं काटने हैं, अपने पैरों के, अपने हाथों के सबसे पहले नाखून काट लें, या अगर आप नहीं काटना चाहते तो भी अच्छा है, क्योंकि बाल और नाखूनों में आपकी शक्तियाँ छुपी होती हैं, इनको भूलकर भी ना काटिएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने नाखून अगर आप काटना चाहते तो पहले काट लें, वरना 4 महीने 3 महीने जब तक आपका ये काम ना बने, चाहे अगले दिन ही बन जाए तो भी आपको ये कम से कम 1 हफ्ता रखने हैं। नाखूनों को संभाल के रखें, अपने बालों को संभाल के रखें, कुछ भी ना कराएं, दाढ़ी शेव आप करा सकते हैं लेकिन अपने बाल ना कटवाएं, अपने नाखून ना कटवाएं। और इसके बाद सुबह आपको नियम बनाना होगा एक समय उठने का, जब सूर्य उदय होता है उससे पहले आपको उठना है। सूर्य उदय से पहले उठकर आपको ध्यान करना है, 1 घंटा आधा घंटा 10 मिनट जितना हो सके, यथासंभव जितना हो सके आपको ध्यान करना है। ध्यान के बाद इस मंत्र का आपको गुम्फन करना है 1008 की संख्या में रोज, या बतीसु इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप पूर्वमुखी होकर करना है, इसका जब जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ अपना मुख करके तब आपको ये जाप करना है। जाप की संख्या रहेगी 1008। अगर कोई इतना ना कर पाए तो उसके लिए 108 भी बोलकर काम चलाया जा सकता है, लेकिन हमें काम नहीं चलाना है, हमें रिजल्ट चाहिए। तो जो चाहते हैं कि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र रिजल्ट आए तो उनको जितनी अधिक संख्या में ये जाप करेंगे उतना ही अच्छा है। तो आप 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, जिस समय आप उठ सकें, सूरज निकलने से पहले उठ जाएं और इसका जाप करें। इसके जाप करते हुए आपको अपना जो मन है उसको एक स्थान पर लेके आना है। आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, लेकिन जाप करते हुए सिर्फ जाप पर ध्यान होना चाहिए, कहीं और ना निकल जाएं, क्योंकि यदि आपका ध्यान यहाँ पर नहीं है और आप जाप कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो ऐसा कीजिएगा कि जब आप इसका ध्यान करें तो बस निरंतर इसका जो गुम्फन है वो आपके कानों में पड़ता रहे, और आपका जो मस्तिष्क है वो सिर्फ इसी के बारे में सोचे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके पास आने वाला है, बस आ ही गया है, तो उसी के बारे में आपके विचार चल रहे हों, मंत्रों की गुम्फन आपके आसपास हो रहा हो। और ये करते हुए यदि आपने 1 हफ्ता भी ऐसा कर लिया तो सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। लगभग 7-8 साल पहले मैंने ये इंट्रोड्यूस किया था मंत्र, और इसने लाखों के काम बनाए हैं, सिर्फ एक नहीं लाखों के काम। जिसने पूर्ण श्रद्धा के साथ इसको कर लिया वो इसका प्रभाव जानते हैं। ये इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा, चाहे सामने वाला कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो। अभी एक केस था मेरे पास, कोई नीदरलैंड से एक लेडी थी, तो क्या हुआ कि यहाँ पंजाब से कोई उसको शादी करके वहाँ लेके गया, और उसने एक और शादी कर ली और उसके पास वो नहीं आता था, तो मैंने उसे ये मंत्र दिया, उसने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ ये किया और सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर भीतर उन्होंने मुझे बताया कि उनका काम हो गया है। तो चमत्कार होते हैं और इसी दुनिया में होते हैं। अगर चमत्कार देखने हैं तो आप
मंत्रों पर पूर्ण विश्वास करके इसका प्रयोग करना शुरू करें और फिर देखिएगा किस तरह से सामने वाला जो है, चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपके यहाँ पानी भरेगा। चमत्कार जो हैं वो क्षणिक दूरी पर ही होते हैं और हम अपना जो है हौसला हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जब आप ये कर रहे होते हैं वहाँ पर मैंने देखा है कि कईयों को बहुत उतावलापन होता है कि मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, इसी टाइम चाहिए, तो वो इस तरह की मानसिकता ना रखे अपने पास कि, क्योंकि मैंने देखा है कि एक हफ्ते में ही लोग जो हैं वो निराश हो जाते हैं। तो मंत्रों में हमें जैसी आप एनर्जी अभी मेरे बोलने पर आप मोटिवेट हो जाओगे, वैसा ही आपको 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 41 दिन इस तरह की एनर्जी आपको पूरी रखनी होगी इस समय में, तब ये चीज़ें काम करेंगी। अगर आप अभी 2 दिन के लिए मोटिवेट हो गए और उसके बाद आपने ये सब छोड़ दिया तो फिर वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो आपको ये जो एनर्जी है इसको बचा के रखना है, अपना पूरा जो सोच है, जो आपकी एनर्जी है उसको वहाँ पर लगाएं कि ये जो मंत्र है ये उस चीज़ को आपके पास लेकर आएगा जो आप चाहते हैं। अगर बुद्धिजीवी इस चीज़ को समझते हैं, अगर आप ना समझ पा रहे हो तो फिर ये मंत्र काम नहीं करेगा। आपको समझना होगा इस चीज़ को कि ये चीज़ काम कैसे करती है। अगर सिर्फ मंत्र से काम होता तो हर कोई कर लेता। एक अंदर से ही एक आवाज़ आती है, एक अंदर से ही एक ऊर्जा होती है जिसका संचार पूरे शरीर में होता है, तब जाके मंत्र काम करते हैं। तो आपको उस शक्ति को बचा कर रखना है, वो शक्ति आपके लिए काम करेगी। जैसे जब आदमी मृत हो जाता है तो क्या होता है, वो बोल नहीं पाता। तो उसी प्रकार जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है यही परमात्मा है, और यही जो है यही आपको आपके रास्ते में आपको पूरी सहायता करेगा। बस आपको पूर्ण विश्वास रख के मंत्रों का जाप करना है। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, मंत्र समझ में ना आया हो और आप चाहते हैं कि कोई और समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। व्हाट्सएप भी सेम रहेगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो आपको 24 घंटे के भीतर भीतर आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। धन्यवाद।